अकेला नेत्र चिकित्सालय बनाया। प्रतिवर्ष उसमें हजारों लोगों का ऑपरेशन होता है और करीब करीब 400-500 तक की ओपीडी डेली होती है और बिल्कुल फ्री, यानी किसी से कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाता। और फ्री का मतलब ये भी नहीं है कि भाई फ्री के नाम पे कोई विशेष सुविधा नहीं हो, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है आज चिकित्सा उपलब्ध है उस तरह का यहाँ इलाज आँखों का किया जाता है। और आँखों के हॉस्पिटल की वजह से भी इस मठ की एक अपनी अलग पहचान है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री महंत श्रीनाथ जी महाराज जो हैं आयुर्वेदाचार्य थे और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने जिस वक्त ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक था, 1957 में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसमें से आज तक करीब 4-5 हज़ार डॉक्टर जो हैं वो निकल चुके हैं और वो समाज में जा कर के अपना नाम तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन समाज की सेवा। बोले वो मुझ टंडे मोट्यो तुम क्या लेने आए, रणपत बोले ढूंढने के लिए लकड़ी हमको चाहे, चौपाल में चढ़ने के लिए वहां रखा था एक सहती, लेनी हो तो ले जाओ यही लकड़ी। महंत चांदनाथ जी ने अपने गुरु के कार्यों को नवीन रूप भी प्रदान किया है। महाराज श्री के प्रयासों से स्थापित श्री बाबा मस्तनाथ आई हॉस्पिटल को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। योगी चांदनाथ जी समय समय पर आकर रोगियों से मिलते हैं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सन 1950 में श्री मस्तनाथ आई हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। 1950 से ही लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। वर्तमान में 400 से 500 मरीजों की सेवा की जाती है। 15 से 20 ऑपरेशन रोज होते हैं और वो भी मुफ्त। और इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। गांव में बात ये फैल गई, शहतीर उठा लिया भाई, पंचायत हुई इकट्ठी और सीधी ढूंढने पे आई, गांव वाले करने लगे फिर बाबा से वाद विवाद, शहतीर फूक के ढूंढने में क्यों ले रहा मोड़े सवाद, धीरशील बाबा जी बोले क्यों तुम बात बढ़ाओ, शहतीर को ढूंढने पर से तुम जाओ उठा ले जाओ, गांव वालों ने शहतीर को ढूंढने से उठा लिया था, तब बाबा ने खिडवाड़ी को ये ही श्राप दिया था, हम भी देखें शहतीर कैसे आप चढ़ाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आय हॉस्पिटल के साथ साथ श्री बाबा मस्तनाथ जनरल हॉस्पिटल है, जहां एलोपैथी व आयुर्वेदिक दवाओं से रोगी को रोग मुक्त किया जाता है। इस हॉस्पिटल का वर्तमान स्वरूप योगी जी के ही प्रयासों का प्रतिफल है। जनमानस को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही देश के भविष्य के लिए शिक्षा का ऊंचा स्तर अनिवार्य है, ऐसा बाबा का मानना है। इसके लिए बाबा मस्तनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा चिकित्सा शिक्षा प्रबंधन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA और BEd जैसे क्षेत्रों में कोर्सेज संचालित हैं। बाबा मस्तनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब एक विश्वविद्यालय का भी रूप ले चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख है बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1958 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की थी। यहाँ से कई छात्र अच्छे चिकित्सक बन अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन कर रहे हैं। देवदास ने
द्वेष भाव में लोगों को बहकाया। 3 दिनों की रोक गांव वालों पे लगाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। तक गांव वालों ने पूजा न भोजन पानी, दिव्य दृष्टि से देखा क्यों बन गई है ये कहानी। क्रोध किया ना बाबा ने, वहां से जाने का मन बनाया, तभी गांव का एक सज्जन वहां भागा भागा आया। मस्तनाथ बाबा को उसने सारी बात बताई, देवी दास के कारण ही बस जनता यहाँ आई। बाबा बोले उस सज्जन को अभी छोड़ दो गांव, इस गांव में आए विपत्ति घर घर जले अलाव। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले जाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। जैसा कि सर्वविदित है, इस मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में पूर्ण भगत जी, जो चरंगीनाथ भी कहलाए, उनके द्वारा की गई। सियालकोट में चारों अंग काटकर विमाता ने कुएं में डलवा दिया था। गोरक्षनाथ जी की कृपा दृष्टि हुई, चारों अंग आए और चौरंगी कहलाए, और उन्होंने इस मठ स्थल बोर की स्थापना की। 17वीं शताब्दी में बाबा मस्तनाथ जी ने इस मठ का जीर्णोद्धार किया। तब से निरंतर महंतों की श्रृंखला इस गद्दी पर चली आ रही है। आज महंत चारनाथ योगी जी विराजमान हैं। इस मठ ने अनेकों जन कल्याण के कार्य किए। इस मठ का उद्देश्य विधेयम जन सेवनम, यानी जन जनार्दन की सेवा, चाहे वो योग के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, या शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य और चिकित्सा के माध्यम से, कोई भी तरीका हो, परंतु इन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों के कल्याण के कार्य किए। सबसे पहले इस मठ ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की। उसके पश्चात 1957 में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की, जो तब से अब तक निरंतर चला आ रहा है। अब 2012 में इस मठ ने विश्वविद्यालय का दर्जा लिया, और तब से इस मठ के प्रांगण में शिक्षण संस्थाओं की झड़ी लगी, और 100 से अधिक कोर्सेज इस मठ के अंतर्गत और मठ के विश्वविद्यालय के अंतर्गत भिन्न भिन्न फैकल्टीज़ में चले जाते हैं। महंत चारनाथ जी 1985 में इस गद्दी पर विराजमान हुए। उनकी एक दृष्टि थी, उनकी एक सोच थी, एक दृष्टिकोण था कि इस इलाके के लोगों को सस्ती और अच्छी और संस्कारित शिक्षा कैसे दी जाए। उसी उपाय में उन्होंने 30 साल के कार्यकाल में अपने न केवल अनेकों महाविद्यालय स्थापित किए, और न केवल स्थल बोर में विश्वविद्यालय बनाया, अपितु हनुमानगढ़ में भी उन्होंने महाविद्यालय खोले, और इसके अलावा उन्होंने अनेकों संस्थाएं नीमराणा, बहरोड और अलवर के क्षेत्र में खोलने में अपना योगदान दिया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को विभिन्न वृक्षों, जड़ी बूटियों से अवगत कराने के लिए औषधि वाटिका भी बनाई गई है। इसी चिकित्सकीय महाविद्यालय के साथ ही बाबा मस्तनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में देश को सुदैवम प्रदान करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की स्थापना की गई है। कारण ये उजड़ गया, नहीं कोई प्रमाण मिला था।
जनश्रुति की माने तो एक बात सामने आई, मस्तनाथ जी तब ओ घड़ते दर्शन योगी नाही। एक दिन भ्रमण करते बाबा बोहर मठ में पधारे, सेवा मिली न हुकुम दे दिया घोड़ों का घास तुलारे। बोहर मठ में रहते थे तब पाद पंथ के योगी, मठ की रीति अतिथि सेवा तीन दिनों तक होगी। पाद पंथी भेक की नीति भूल ही जाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। महर्षि योगी चांदनाथ जी की प्रेरणा एवं गुरु के आशीर्वाद और बाबा मस्तनाथ जी की कृपा से संचालित इस सेवा प्रकल्पों के साथ ही समाज सेवा के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ाव रहा है। आप बहरौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और वर्तमान में अलवर राजस्थान से लोकसभा सदस्य भी हैं। राजनीति क्षेत्र में चूंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत श्रीनाथ जी हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, और क्योंकि राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है कि जनता की सेवा उसमें जा कर के और अधिक की जा सकती है, इसलिए मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बहरोड से मैं पहले विधायक रहा, आजकल मैं लोकसभा का सदस्य हूँ अलवर राजस्थान से। मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन तो समाज के और लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए ही है। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ स्मृति मेले के अंतिम दिन नवमी को भक्तों की भारी भीड़ रही। नवमी को प्रातःकाल की आरती के साथ ही लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसका नजारा आप सहज ही देख सकते हैं। उजड़ गया फिर ये मठ, केवल बचे वो साधु अढ़ाई, चुरंगी नाथ की अखंड ज्योत की जो करते थे जगाई। पहले मठ को ध्वंस किया फिर बाद में स्वयं बनाया, गुरु गोरखनाथ ही समझ सके हैं अपने रूप की माया। मस्तनाथ का सच्चा सेवक नाम था उसका सिलका, गांव बालोट का रहने वाला भगत शेर से दिल का। सुबह शाम बाबा के लिए वो भोजन दूध लाता, शिष्य के जैसा बाबा के संग जुड़ गया उसका नाता। सुबह शाम वो देर सवेरे आते जाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। दोपहर की आरती में पूज्य योगी चांदनाथ जी महाराज ने नाथ संप्रदाय के परंपरागत पोशाक में समाधि स्थल पर शीश झुकाकर पूजन व आरती की, तत्पश्चात गद्दी पर विराजमान हुए, जहां लंबी लंबी लाइनों में लगे देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने पूज्य चांदनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। दूर करूं अंधकार, एक रात जब सिलका अपने घर को रहा तलो, रस्ते में एक डाकू मिला तरवाली कपड़े लंगोट। रात अंधेरी में सिलका नंगे हो जाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। बाबा ही डाकू बने फिर सिलका बन पल भर में, सिलका बन के पहुंच गए फिर सिलका जी के घर में। दरवाजे पे दस्तक दी तब माँ ने किवाड़ खोले, माँ कुछ कहती इससे पहले भीतर गए बिन बोले। नंगी अवस्था छुपते छुपाते सिलका घर को आया, उकड़ू बैठ दीवार की ओट से दरवाजे को बजाया। फिर धीरे से बोला माता जी दरवाजा खोलो, एक जोड़ी कपड़े ले आओ बाद में ही कुछ बोलो। तब सिलका जी अपनी माँ से कपड़े मंगाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। दर्शकों, आप श्रद्धालुओं की इस लंबी कतार को देखकर ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि जन जन के आत्ममन को बाबा मस्तनाथ के लिए अटूट श्रद्धा भरी हुई है। कपड़े लेके चौंका सिलका अंदर चौंकी माई, अभी था अंदर अब है बाहर बात समझ ना आई। सिलका पहुंचा घर के अंदर जोड़े सब हालात, समझ गया सिद्ध मस्तनाथ जी कर गए हैं करामात। सिलका ने फिर अपने घर में सारी बात बताई, फिर बोला मैं बाबा का ही चेला बनूंगा माई। बाबा जी का शिष्य बना और कान पड़ा लिए अपने, गुरु ज्ञान का अमृत पी के लगा धुनों में तपने। दर्शकों, जैसा कि आप भी दर्शन पान कर सकते हैं, बाबा मस्तनाथ जी की समाधि स्थल पर लाखों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं और सच्चे भाव से दुनियादारी को दरकिनार कर बाबा मस्तनाथ समाधि स्थल पर शीश झुकाते हैं। वो अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करते हैं। बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक वर्ष दूर दराज से लोग इस मेले में पहुंचते हैं। आइए दर्शकों, हम आपको भी ले चलते हैं इस भव्य मस्तनाथ स्मृति मेले में। हरि सिंह की हूर सी पत्नी नाम था देवी पाई, पनघट ऊपर उस दिन को भी मटका भरने आई। मस्तनाथ को देख के उनका करने लगी थी मखोल, बाबा बोले साधु से नहीं करना चाहिए किलो। पाई देवी फिर भी ना मानी, बोले कड़वी वाणी। बाबा जी तब जान गए ये नारी है अभिमानी। बाबा जी उसका अभिमान मिटाना चाहते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। बाबा बोले मैं जैसा तू भी वैसी हो जाए, इतना कहकर बाबा जी तब वापस मठ को आए। पाई देवी नाक चढ़ा फिर पहुंची अपने घर को,
जैसे ही घर में कदम धरा वो भजने लगी ईश्वर को, छोड़ दिया सब काम का। आइए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं इस भव्य मस्तनाथ स्मृति मेले में, जिसमें दंगल के दृश्य भी सराहनीय हैं। जब पता चला वो बाबा को मारने आया, तीन बार किए बार उसने फिर भी न मार पाया। हरि सिंह तब बाबा की महिमा जान ही जाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज के दिन विशेष रूप से कुश्ती का आयोजन भी, दंगल का आयोजन मठ में किया जाता है, जिसमें पूरे देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान आते हैं। और क्योंकि ये कुश्ती एक ऐसी विधा है जो कि हमारी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति में एक अलग पहचान रखती है, इसलिए यहाँ बहुत बड़े दंगल का आयोजन भी हम लोग बाबा मस्तनाथ स्मृति मेले में लास्ट डे यानी फाल्गुन शुक्ल नवमी को रखते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये का और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये का और तीसरा तृतीय पुरस्कार जो है 31,000 रुपये का है। और भी अनेकों कुश्तियाँ जो है, अनेकों सैकड़ों इनाम जो है उसमें दिए जाते हैं, ताकि इस ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल के प्रति रुचि जचे। ये हमारा प्राचीन खेल है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, बहुत अच्छी कुश्ती होती है, बहुत ही अच्छा दंगल का आयोजन होता है। ये दंगल प्रतिवर्ष मेले के तीसरे दिन नवमी को आयोजित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती कर चुके पहलवान भाग लेते हैं। इस वर्ष भी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री चंद्र प्रकाश जी कमिश्नर रोहतक ने विजयी पहलवान को 1,00,000 रुपए इनाम दिया। इससे पूर्व डॉक्टर मार्कंडे आहूजा कुलपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ने फूलमाला व गुलदस्ता देकर मुख्य अतिथि श्री चंद्र प्रकाश जी का स्वागत किया। दीवान आके बाबा से फिर करने लगा चालाकी, नए दुशाले लेकर आया जल्दी चाल बला की, और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने पहलवानों का